नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपना बेटा विषय धर्म शिक्षा, इसके बारे में इसका पाठ जो पाँच है उसको पढ़ेंगे, जो जिसका नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र बेटा हम रोज़ ही पढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी अभी आएगा, और इससे पहले आप ऑनलाइन चाहे क्लास लगा रहे हैं तब भी हम गायत्री मंत्र ज़रूर करते हैं अपना। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र। तो आप देख सकते हैं गायत्री मंत्र कैसे बोलते हैं, जो आपको पता ही है गायत्री मंत्र क्या होता है। तो इसमें मैं पहले इसको पढ़ देती हूँ, पहले आप डेट लिख लीजिए। ओम भूर भुव स्वः तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। हम किसी न किसी बच्चे से डेली सुन भी लेते हैं, अगर हमारी प्रेयर ऑनलाइन नहीं होती है, अगर वो होती है तो आप डेली ये गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं, और जब आप स्कूल में आते हैं तब भी आप इसको बोलते हैं। तो अब इसका अर्थगान यानी इसका मतलब क्या है, इस गायत्री मंत्र को हम बोलते तो हैं पर हमें इसका मतलब नहीं पता कि हम ये क्यों बोलते हैं और इसका क्या मतलब है। अर्थगान होता है मतलब जो ये शब्द दिए हुए हैं इनका कोई ना कोई मतलब है। तो देखिए इसका क्या मतलब है। तूने हमें पैदा किया, पालन सदा करता है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के दुख हरता है तू। इसका मतलब है अर्थ यानी मीनिंग। इसका मतलब है कि तुमने ही हमें पैदा किया, कि भगवान जी को हम प्रेयर करते हैं, क्योंकि जो मॉर्निंग होती है वो प्रेयर क्या होती है, भगवान जी के पास होती है हमारी, हम भगवान को याद करते हैं। तो इसीलिए हम उनको कहते हैं कि आपने ही हमें पैदा किया है और आप ही हमारी रक्षा करते हो, पालन करते हो, आगे बढ़ाते हो, और तुमने ही तुझसे ही पाते प्राण हम, ऐसे ही प्राण भी आप हमें देते हैं यानी जिससे हमारा ये शरीर चल रहा है। और दुखियों के दुख, जो हमारे जो दुख हैं वो भी कौन ले लेता है, वो भगवान ही हर लेता है, हरता मतलब ले लेता है। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में सर्वत्र तू है विद्यमान। तेरा महान तेज है का मतलब है कि आपका जो रोशनी है मतलब हर जगह फैली हुई है, छाया हुआ सभी स्थान का मतलब जितनी भी रोशनी आपकी हर जगह है, भगवान हर जगह पर है। सृष्टि की वस्तु यानी जितना भी ये सृष्टि है यानी जितने भी हम पृथ्वी पर रहते हैं, चाहे ऊपर नीचे आगे पीछे, आप कहीं भी देखो पेड़ पौधे जंगल कहीं भी हैं तो ये सारी क्या कहलाती है, सृष्टि। तो सृष्टि की वस्तु वस्तु में यानी कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है या फिर बड़ी से बड़ी, सर्वत्र सर्वत्र हर जगह तू है विद्यमान यानी तू ही वहीं पर है। यानी भगवान जी को हम कह रहे हैं कि चाहे कहीं भी है हर जगह आप ही आप हो। तेरा ही धरते ध्यान हम और मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तेरा ही धरते ध्यान हम यानी हम आपको ही याद करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं ना, और कहते हैं मांगते तेरी दया, तुझसे ही दया मांगते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। ईश्वर हमारी बुद्धि को, बुद्धि यानी हमारा जो दिमाग है, हमारा तू श्रेष्ठ मार्ग, श्रेष्ठ का मतलब होता है अच्छे मार्ग यानी रास्ते पर चला। तो इसीलिए इसका आज हमारा जो गायत्री मंत्र है इसका मतलब क्या है, हम भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि आप ही से हम हैं। ओके, इसके बाद है इसका अभ्यास। वाक्य के आगे कोष्ठक में दिए सही या गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें आपने सही या गलत का निशान लगाना है। ईश्वर ने हमें उत्पन्न नहीं किया, नहीं गलत बात है, तो ये इसलिए हम लगाएंगे गलत। दूसरा है ईश्वर का तेज सभी स्थानों पर छाया हुआ है, हाँ ईश्वर का तेज जो है रोशनी हर जगह पर है, तो इसलिए ये ठीक है, तो हम ठीक का निशान लगाएंगे। तीसरा है हम बड़े लोगों की दया मांगते हैं, नहीं हम बड़े लोगों की दया नहीं मांगते, हम भगवान की दया मांगते हैं, तो इसलिए ये गलत है। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाता है, हाँ ईश्वर हमारी बुद्धि को क्या करता है, अच्छे मार्ग पर चलाता है, तो ठीक है। और उसके बाद है तू यानी प्रभु दुखियों के दुख हरता है, हाँ दुखियों के दुख कौन हरता है, प्रभु है। तो इससे आज आपने आप मंत्र सीखा, ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया, और इसका अर्थ भी समझा। तो बेटा आज के लिए आपका इतना ही है। ओके।